हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप्स आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम से अच्छी हूँ और हमेशा की तरह आज आई हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ। तो व्लॉग की शुरुआत करने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या सिर्फ व्लॉग को देख रहे हो तो देखिए ही मत, वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरा व्लॉग देख सके। तो अभी आज व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं 10:30 से। अभी मैं व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ 10:30 से। तो अभी हम जा रहे हैं खेत की ओर, क्योंकि आज जा रहे हैं घास काटने। तो अभी आपको मैं वो चीजें भी दिखाऊंगी। ये देखो महिषा यहाँ दौड़ती हुई आ गई। महिषा को भी इसको चाहे मेरा वीडियो बनानी है, चाहे मैंने व्लॉग बनाना है, हर चीज मैंने बोला हाय गाइस, बोल हाय गाइस करो फिर। तो ये हर जगह हम आती आती है तो अपनी दादी का फोन अपने पास रख के चली रहती है कहीं, इसको तो फिर आना ही आना होता है। तो अभी चल रहे हैं हम खेत की ओर, क्योंकि अभी मम्मी गए हैं घास काटने, तो मम्मी काट रहे होंगे और मैं और भाभी जा रहे हैं आज अंचल है घर पे। तो अच्छा अभी तो मम्मी भी नहीं गए, मम्मी भी इधर ही है, सब इधर ही है। तो अभी चलते हैं अब इसके बाद। यहाँ देखो मम्मी इधर लगे हुए, मम्मी ने धो दी कपड़े ही धो रहे हैं अभी। अब जाएंगे हम साथ में और मिस्ती भी रहे ना बाथरूम में, आधी टहले तो लगा भी दी, वो दिखा लेती हूँ मैं आपको। यहाँ देखो तो भैया अब टाइलों का काम कर रहे हैं, अभी तो आधी टाइलें लगी है मेरे वॉशरूम में। ये देखो आधा काम आज तो भैया ने। ब्रेकफास्ट नहीं करना आपने? करेंगे कब? अब तो करेंगे, अब तो लंच का टाइम हो गया। हाँ, यहाँ देखो भैया ने इधर टाइले लगा दिए, तो भैया यहाँ टाइलों का काम कर रहे हैं। तो ये भी लग रही है, देख रहे हो यहाँ पे। तो अभी ना 10:30 से 11 बजने वाले हैं। किसी भी ने खाना भी नहीं खाया अभी, ब्रेकफास्ट भी नहीं करा, मैंने भी अभी करा इनफैक्ट। और मम्मी पता नहीं, मम्मी आ गए हैं कपड़े धो के और अब जाएंगे हम सब ने। मेरा काम तो वीडियो बनाना ही होता है, काम तो कम करती हूँ मैं, वीडियो बनाती हूँ ज़्यादा। तो चलो अब हम चलते हैं। अब हम यहाँ देखो मैं अपने गेटअप के साथ रेडी हो गई हूँ। ये तो मेरा खेत का फूड है जो मैंने खेत के लिए ही पहना होता है। तो चलो चलते हैं अब खेत की ओर। अभी तो मम्मी भी कपड़े डाल रहे हैं और भाभी मिस्त्री भैया को खाना दे रहे हैं, तो मम्मी ने तब तक कपड़े धो दिए थे। तो अब चलेंगे हम खेत की ओर। तो अब चल पड़े हैं हम खेत की ओर घास काटने के लिए। आप पता नहीं आपका फोन अंदर नहीं, दोनों रखे बेड के ऊपर, देख पीछे को। तो हम चल पड़े हैं। ये देखो ये देखो चल पड़े अब हम। वैसे ऐसा बहुत ही रेयर होता है ऐसा कि मतलब मैं घास को, अब मैं खासकर अब मैं तो सिर्फ ढोने का ही काम करती हूँ ना, कभी बहुत रेयर होता है ऐसा कि मैं काटते चली जाऊँ अभी भी वैसे, क्योंकि मेरा काम कम और फालतू का पेड़ ज़्यादा होती है। तो अभी भी मैं साथ में वीडियो भी बनाऊँगी, साथ में घास काटेंगे। यार इधर ना घास भी बहुत है, मेरी साइज का घास तो है इधर, अगर मैं यहाँ खड़ी रह जाऊँ तो। ये देखो ये देखो हमारे गांव के भैया उनके सेब है, ये ऐसे लगे हुए इधर। मेरी छोटी मम्मी का घर है ऊपर, तो अब हम पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट उस खेत में। और पीछे आपको दिख रहा है ये मेरे छोटे पापा का घर है पीछे। तो
हम यहाँ घास काटेंगे। इस खेत में आए हम घास काटने, और ये मेरे छोटे पापा की सेब। इधर देखो, दो बुलटे तो काट भी दिए। दो काट के छीने जाता ना नीचे पूरा। मम्मी ऊपर आ रही है पूरी की। ये देखो मम्मी ने लगा दिया, अब हम इसको छोड़ के आएंगे पहले परे। ये मेरे लिए लग रहा है, भाभी के लिए लगा दिया मम्मी ने इधर। अभी तो यहाँ से लेकर इतना ही काटा है, लगा दिया मम्मी ने, अब मैं भी चल जाती हूँ। पता है भाई, ये घास इतना भारी होता है, मेरे तो दो बुलटे में जा निकल गई। देखो मेरा बाटू मैंने यहाँ फेंक दिया, थोड़ा रेस्ट मारती हूँ। हाय, तो मैं ना पहले इसे खोल देती हूँ, यहाँ पे अपना को खोल रही हूँ। हाय राम, ऐसे ये ऐसे और ये। यार गिल्ला घास है और इतना भारी है ना, पूछो मत। लो जी, अब इसको भी खड़ा रखना ही पड़ेगा। देखो भाई, तो ये हो गया है फिक्स। और मैंने ना अपने आप को ऐसे इसलिए कसा था कि धूप बहुत तेज लगी है यार, मुश्किल से तो फेस ठीक रहा हुआ है मेरा, और धूप में और टाइनिंग हो जाएगी मुझे। तो अभी पहले इनसे ना पानी मांग लेते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं यार, फिर जाएंगे। अब तो पता है मैं तो बैठ गई हूँ अब, क्योंकि है नज़दीक, थैंक गॉड नज़दीक है वो खेत, जो भैया का खेत लिया है ना हमने, वो हमारा नहीं है, भैया का खेत है, घास काटने के लिए लिया। अपने खेत तो इतने दूर है ना, पूछो मत। दो नज़दीक खेत है, उससे कितना ही लाना है। तो अगर दूर होते ना तो भाई साहब, अब रात भर की बारिश लगी हुई और गीला घास, दो बिंडे भी ऐसे होते ना, पूछो मत, हालत ख़राब होगी यहाँ पे। आज तो काटा भी, ऊपर से मैं तो कम ही, बहुत रेयर होता है सखी काटने जाऊँ मैं घास, अदरवाइज तो मैं ढोने का ही काम करती हूँ जब भी, पर जब इमरजेंसी में तो काटना ही पड़ता है ना, क्या करें। पर काटती तो हूँ, ऐसा भी नहीं है कि काटती नहीं हूँ, आता है, लेकिन बस ऐसा है कि रेगुलर बेसिस पे करते हैं ना कई लोग, रेगुलर बेसिस पे नहीं करती हूँ, बाकी करती तो हूँ। तो फिर जब जब कभी काम करना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जी। तो ये देखो, अब हम चल पड़े हैं परे की ओर, बोतल उठा के, क्योंकि मम्मी को भी प्यास लगी होनी। फिर अब हम परे जाएंगे, वापस से पहुंच गए हम खेत। यहाँ देखो मम्मी, मम्मी ने दो पूरे तो काट भी दिए जब तक हम परे थे। दो यहाँ काटे, एक यहाँ काट दिया, तीन पूरे का है। तो गाइस क्या बोल रहे मम्मी? ठीक है, अब हम चल पड़े हैं दूसरे चक्कर को। दूसरा चक्कर है ये हमारा। तो चल पड़ते हैं यहाँ से।
मैं चल पड़ी हूँ। तो दो चक्कर हमने लगा दिए हैं, दो दो बुरीकर घास बहुत है। पता है अब मेरे को इस वाइट साइड वाला दर्द हो रहा है, क्योंकि मेरे को पहले सर्वाइकल हुआ था तो उसके बाद ये दर्द होता है कंधा। अभी मैं सोचूं फिर मम्मी को क्यों दिखाना, बेचारे आंचल को ले जाती हूँ अपने साथ, फिर मैं और आंचल ला लेंगे दो दो पूड़े। तो अभी कब का है बेटा ये? इतना इतना ये बोतल कब की है? भाभी आपने पानी की बोतल पर ऐसे अरे लाई? नहीं ये नहीं है वो, पापा ने किया ऐसे पानी, मेरे को लगा वो वाली बोतल। वो तो हम परे ले गए थे मम्मी के लिए। तो हाँ तो नहीं इसमें कुछ दिखा, कौन था तो कुछ नहीं पर पन्नी की। तो अभी मैं चल पड़ी हूँ परे की ओर और तीसरे चक्कर के लिए। तो अब चलते हैं, और पता नहीं क्यों, पता है फिर अब प्लीज़ गाइज ये मत बोलना घास काम किया नहीं, दर्द हुई नहीं, क्योंकि सर्वाइकल मुझे पहले से ही है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ घास जो कि दर्द हो रही है वो मुझे पहले से ही होता है। तो अभी ऐसे ही दर्द हो रहा है ये थोड़ा थोड़ा, पर चलो कोई ना, नहीं तो फिर कल से मम्मी फिर घास के लिए अकेले हो जाएगी ना परसों से। तो तीसरा चक्कर ले रही हूँ मैं, अब ले जाते हैं परे, क्योंकि अब यार तीन तीन गाय है ना तो कम घास से नहीं होता है। तो चलते हैं अब चौथे चक्कर के लिए, चले जाते हो। बारिश लगी है, मम्मी को बोलती हूँ क्या करना है, कहीं ऐसा ना होते इस बारिश फिर। तो अभी ना मम्मी काट रहे हैं घास, और ये देखो मिस्त्री भैया खोल रहे हैं, ये देखो भैया यहाँ टाइली खोल रहे हैं, बड़े दिलचस्प इंसान है ये देखो। ये देखो इनको पानी में क्यों डाल रहे भैया? गीला होता है ना। हाँ पकड़ता है। अच्छा तो भैया इनको पानी में डाल रहे हैं टाइलों को, ताकि सीमेंट पकड़ सके। और दो चक्कर भाभी ने लगाया, चार चक्कर मैंने लगा दिए। तो बस अब अभी लास्ट में मम्मी काट रहे हैं चार पुले, तो बस उसके लिए जाएंगे थोड़ी देर बाद, जाऊंगी थोड़ी देर बाद। अभी मैं थोड़ा सा थकी हूँ, फिर आई हूँ रेस्ट करने, क्योंकि अभी तो मम्मी काट ही रहे थे। तो अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ 12 बिंडे लाए हैं घास के, तो 20 लाने हैं पूरे। मैं सोचूं ये कि मम्मी बोल रहे थे थोड़ा शाम को काट लेते, मैंने सोचा कई बार ना शाम को बारिश लग जाती है फिर नहीं ज़्यादा ऐड हुए, और फिर शाम को लंच के बाद तो फिर सोना भी हो, तो ऊपर से मेरी फिर ये सर्वाइकल वाला दर्द शुरू हो गया है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी फिर मैं लग गई हूँ ना, तो मेरा ऐसा होता है एक बार कल लग गई मैं काम करने तो लग ही गई, फिर या तो मैं उठती नहीं हूँ, मेरा कुछ हिसाब किताब ऐसा है। तो बस अभी चार काटेंगे मम्मी, तो 16 फिर हो जाएंगे 16 बिंडे, फिर बाकी तो अब शाम को देखेंगे, क्योंकि बारिश का भी लग रहा है आगाज थोड़ा। और अभी मैं सोच रही हूँ इसके बाद जब परे जाएंगे तो मैं ना आते आके ना ही जाऊँगी, क्योंकि मुझे वो पेन भी हो रहा है, और सर तो मैंने अभी कल ही धोया, सर नहीं धोऊँगी सिर्फ नहाऊँगी, ताकि थोड़ा सा स्वेटिंग भी जो हुआ है वो भी सारा ख़त्म हो जाए। 2 बज गए हैं और हमारा ये देखो ये घास हमने ढो दिया, पर फिर भी 3 दिन का है भाई, ये देखो 17-18 बोलते तो हमने अभी ला लिए थे घास के। नहीं नहीं बेटा नहीं, तो अभी देखो मैं रेती के साथ बोरी है प्योली खेलेंगे, तो अब ना मैं इसके बाद नहा लेती हूँ। और मतलब बेटा तू मिट्टी वाला, बुआ ने नहाना नहीं ना, हमने नहाना है। तो गाइस अब ना मैं नहा लेती हूँ, 2 बज गए हैं, तो आज हमने पूरे दिन घास ही ढोया, और अब मम्मी ने काटा हमने ढोया, तो अब मैं नहाने जाती हूँ क्योंकि स्वेटिंग हो गई है बहुत ज़्यादा। सिर नहीं धोऊंगी, सिर मैंने पिछले कल का धोया है, इसको मैं कल धोऊंगी आने वाले कल। 2:16 हो गए हैं, तो अभी मैं नहा धो के फ्री हुई हूँ, अब
अब इसके बाद करेंगे लंच, फिर देखते हैं चीज़ें क्या होगी, उसके बाद हम सो जाएंगे, रेस्ट करेंगे, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा पेन हो रहा था वहाँ इधर से, तो अब इसके बाद है रेस्ट टाइम, पहले खाना खा लेते हैं। तो लंच लुंच करने के बाद, नहाने के बाद मैं सो गई थी, और अभी हो गए हैं 4:25 हो गए हैं, तो मैं उठ गई हूँ अभी ना, माइशा अभी सोई है मेरे पास, तो 3 बजे तो हम सोए हैं, तो क्यों उतना ही फ्री हुए, 2 बजे तो खेत से ही है, तो अभी मेरी नींद भी खुल गई है, तो अभी माइशा सोई है, अभी तो मैं यहाँ से हिल नहीं सकती हूँ जब तक ये नहीं उठे, जब ये उठेगी तब जाएंगे पार्क को। ये देखो माइशा ना पापा के कमरे में सुलाई है आज, पार को मिस्त्री लगी है ना, फिर वो जल्दी उठ जानी थी। ये देखो इसको अभी बिल्कुल चिपक रही थी उस ब्लॉग निकालने, तो अभी ना मैं चाय पी रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही सोच रही हूँ सुस्ती, और पता है यार ये पूरा मांच मालिश करेगी क्या तू, आज जल्दी जाओ ये वाला। हाँ मत सोच, देखो मैं हाथ ही रखा था, देखो उसको ये वाला सारा हो रहा है दर्द, मत आराम आराम से देखो इसको यार, गैस तो आराम से तो ऐसे होता है, इतनी ज्यादा आराम से भी नहीं यार। देखो गैस मैंने इसको लगा दिया अपने उसमें, यहाँ तो जहाँ तुझे अंगूठा है ना तेरे साथ का, वहां तो कत्ता इधर, हाँ आराम से, बहुत थोड़ा मीडियम कर ले। देखो तू इसको यार कैसा नौटंकी करती है मेरी बहन, तुम्हारी बहन भी ऐसी ड्रामेबाज है क्या गाइस, जैसी मेरी है। नेट खत्म कर दिया चल मैं दे दूंगी तुझे, एक ही मिनट में जल्दी साफ करो, मक्खी लगेगी यहाँ पे, कैसे करूँ मैं, मक्खी मारती रहती हूँ, जल्दी ला इतने नहाना हट यहाँ से, फेंक दिया इसने मुझे। यहाँ देखो गाइस ये जा रही है नहाने, हाय इनके, तो गाइस आज के ब्लॉग का मैं यही एंड करती हूँ, और होप सो आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखिए। आज तो मेरी हालत पता नहीं क्यों इतना कंधा दर्द हो रहा है ना, पूछो मत, अब ये इस वजह से भी हो रहा है, बहुत सारी रीज़न है, तब क्या ही कर सकते हैं, पर चलो कोई ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, लव यू ऑल, लव यू गाइस, बाय बाय।